हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आज की वीडियो में हम हाउ टू ड्रॉ एसएफडी बीएमडी पार्ट 3। तो हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, आज भी हम लेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम, 10 मीटर का स्पैन है हमारा और इसके ऊपर लगा हुआ है यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट। सबसे पहला स्टेप रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सिमेट्रिक है हमारा ये बीम विथ सिमेट्रिक लोडिंग, तो टोटल लोड कितना है आपका जो बीम के ऊपर लग रहा है वो है 5 × 10 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आर ए ए पॉइंट पे 25 और उतनी हो जाएगी आर बी पर। कैलकुलेट करना है तो आप किसी एक पॉइंट में मूवमेंट जीरो ले लीजिए, जैसे कि पॉइंट बी पर मूवमेंट जीरो होगी तो क्या होगा, पॉइंट बी पे मूवमेंट निकालेंगे तो आर ए इंटू 10 माइनस 5 × 10 इंटू 10 बाय 2 इक्वल टू जीरो, तो आर ए निकल जाएगा 25 किलो न्यूटन। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन क्या हो गई हमारी, 25 किलो न्यूटन। सेम सेकंड स्टेप, आप एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए रिएक्शन और लोड, क्योंकि हमारा यूडीएल है, पॉइंट लोड में हम क्या करते थे, जहां पर पॉइंट लोड है हमारा वहां पे हम वर्टिकल लाइन खींचते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम सेंटर लाइन एक खींच लीजिए क्योंकि पूरे बीम पर यूडीएल है। एक लाइन आपकी एसएफडी के लिए और एक लाइन आपकी बीएमडी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक आपका एरो है जो वर्टिकल ऊपर अप की ओर जा रहा है 25, तो एक मैंने अप लाइन खींची, इसको वैल्यू दे दी 25 किलोमीटर। उसके बाद ये जो यूडीएल है इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये 25 किलो न्यूटन है और ये यूडीएल 5 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि अगर हम एक मीटर चलें, अगर हम एक मीटर चलते हैं इधर की ओर ए से बी की ओर तो कितना लोड लग जाता है, 5 × 1 5 किलो न्यूटन। 2 मीटर चलते हैं तो 10 किलो न्यूटन, 3 मीटर चलते हैं तो 15 किलो न्यूटन और हमारा 25 है और ये डाउनवर्ड है तो इसको कम करता जाएगा। चलते चलते धीरे धीरे हम 5, 10, 15, 20 यहां सेंटर में कितना हो जाएगा, 25। सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी 25 क्योंकि ये कितना है हमारा, 5 मीटर। तो 5 × 5 25 डाउनवर्ड, तो यहां जीरो हो गया क्योंकि डाउनवर्ड है, धीरे धीरे कम होता गया और फिर ये आगे और भी लोड है तो फिर ये और जाता गया और कहां तक, 25 डाउनवर्ड, और फिर एक अपवर्ड है आपका 25। तो ये है आपका 25 किलो न्यूटन, ये है आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक नहीं होगी, ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका एसएफडी। अब बीएमडी के लिए सेम एरिया, अगर इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालें तो क्या होगा, ट्राइंगल का 1/2 × 25 × 5 तो कितना हो जाएगा, ये 125 by 2, तो ये हो गया आपका 6.25। ठीक है, इसका एरिया, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे पिन सपोर्ट है, जीरो होगा बेंडिंग मोमेंट और ट्राइंगल हमारा एरिया है तो हमारा बी बेंडिंग मोमेंट हमें पता है यूडीएल की कैसे पैराबोलिक होगा, तो ये स्टार्ट होगा ऐसे पैराबोलिक और यहां तक जाएगा और ये वैल्यू कितनी है आपकी, 6.25 किलो न्यूटन मीटर। और उसी तरह ये डाउनवर्ड है तो ये फिर पैराबोलिक डाउनवर्ड चला जाएगा, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, शियर फोर्स भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और बेंडिंग में यूडीएल के केस में। अगर आपका पॉइंट लोड है तो हमारी स्ट्रेट लाइन जाती है और अगर आपका यूडीएल है तो आपका पैराबोलिक जाती है। 62.5 होगा, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है, 62। तो मैक्सिमम
बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका? 62.5 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए कितना इजीली हमने एक शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम विद वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो थैंक यू, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।